आज जनकपुरी के शिवाजी मार्ग ब्लॉक A1 में एक प्लांटेशन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि 10,000 पौधे लगाए गए। इस मौके पर नरेंद्र कुमार चावला, जो कि फॉर्मर मेयर हैं, मुख्य अतिथि थे, और साथ ही साथ आकाश चौधरी, जो कि डायरेक्टर और CEO हैं आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के, वो भी वहां पे मौजूद थे। इस मौके पर काफी बड़ी संख्या में बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। आज इग्नो रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक टॉक शो रखा था, जिसका की टॉपिक था कैंसर एंड हार्ट डिजीज। इसमें जो स्पीकर्स थे, डॉक्टर ज्योतिका जैन, उन्होंने बात की एडवांसेस इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के ऊपर, और डॉक्टर सलील गर्ग ने बात की हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर के विषय के ऊपर। उसके साथ साथ वहां पर फ्री इन्वेस्टिगेशन, बीपी, आरबीएस और पल्स मेजरमेंट का भी व्यवस्था थी। इस कार्यक्रम में संजीव पांडे, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नो के, वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और ये टॉक शो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। इसमें लोगों ने भी बहुत सारे सवाल पूछे, जिनके की जवाब वहां पर आए डॉक्टर्स ने दिए। अभी हाल ही में सुजीता, जो कि प्रेसिडेंट हैं प्रेरणा क्लब द्वारका की, उन्होंने एक लंगर ऑर्गेनाइज किया था, और ये लंगर ऑर्गेनाइज किया गया था बामनौली गांव के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। इस मौके पर वहां आसपास की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले लोगों ने इस लंगर का लाभ उठाया। सुजीता जी इस तरह के लंगर ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। आज गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली गतका एसोसिएशन ने दिल्ली स्टेट लेवल की 3rd गतका चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्र के खाटू श्याम स्टेडियम में किया। इस चैंपियनशिप का नाम मैदान जंग था। इस मौके पर चंदू माजरा, जो कि सांसद हैं, मुख्य अतिथि थे। उन्होंने यहां पर अन्य लोगों के साथ साथ भूपेंद्र सिंह, जो कि स्टेडियम इंचार्ज और विद्यालय निरीक्षक हैं, तथा महेश चंद्रा जी को, जो कि विद्यालय निरीक्षक हैं, सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। अभी हाल ही में प्रगति मैदान में बचपन सोसाइटी के द्वारा एक नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, और इसमें द्वारका की NGO छोटी सी खुशी के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इन बच्चों ने 15 दिन की जबरदस्त तैयारी के बाद इसमें हिस्सा लिया, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इन्होंने वहां पर फर्स्ट प्राइज जीता। इसके लिए इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, NGO की टीचर्स और उन सभी लोगों को बधाई जिन्होंने इन बच्चों को तैयारी कराई। इस तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। आप हमारे Facebook के पेज को लाइक कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट www.radiodwarka.com पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।